श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्यमेश्वर तंत्र में जो अगली यक्षिणी है जिनकी साधना हम लोगों को करनी चाहिए वो घंटा यक्षिणी है। क्या है घंटा यक्षिणी? आपने मोहन के बारे में सुना होगा, वशीकरण के बारे में सुना होगा, मोहिनी सुना होगा, सर्व विश्व वशीकरण के बारे में सुना होगा, सर्व विश्व मोहिनी के बारे में सुना होगा। वैसे ही सबको मोहन, सबको सम्मोहित करने वाली होती है घंटा यक्षिणी। मैं एक एक करके आप लोगों को यक्षिणी साधना के बारे में बता रहा हूँ। पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों को यक्षिणी साधना के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये सप्ताह बिल्कुल ही सही है यक्षिणी साधना के लिए। अभी जो अष्टमी आ रही है, जो अष्टमी और नौमी का मध्य रात्रि को, इस बार मज़ेदार क्या है कि 13 तारीख को ही अष्टमी है। ऐसे किसी भी नवरात्र में, चाहे गुप्त हो या दो जो आम जनमानस के लिए नवरात्र होता है, उसके अष्टमी और नौमी के निशा बेला में इस यक्षिणी की साधना का संकल्प करना चाहिए और रात भर आपको इसकी साधना करनी चाहिए। कैसे करनी है इसकी साधना? बहुत ही सिंपल सा इनका एक तरीका है। एक बहुत ही खूबसूरत घंटा आपको खरीदना है, जो बड़ा सा बेल होता है जिसको आप रख के बाद में पूजा कर सकें। घंटी नहीं, घंटा होना चाहिए, और वो एक बड़ा घंटा हो, बहुत अच्छे नक्काशीदार घंटा। मैं हमेशा एक बात आप लोगों को बोलता हूँ, मैंने चाकू रखने को बोला, मैंने बोला खूबसूरत चाकू रखना, ठीक है? आप हाथ में कड़े पहनो, खूबसूरत कड़े पहनो, जो भी तंत्र से रिलेटेड सामान होता है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको देख करके लगे कि हाँ व्यक्ति ने कुछ पहना है, क्योंकि तंत्र जो है वो मंत्र और यंत्र का खेल होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ही यंत्र हुआ, ठीक है? जैसे अगर आप भगवान की किसी मूरत को लाते हैं तो आप चाहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत हो, अच्छा दिखे। उसी तरीके से जब आप कोई कड़ा पहनते हैं तो उसमें किसी ने, जैसे भैरव कंगन पहना तो भैरव को हमने उस पर बैठाया, या हनुमंत को बैठाते हैं, या किसी वीर को बैठाते हैं कंगन में, तो वो कंगन जिस तरीके से मूर्ति हुई उसी तरीके से वो कंगन होता है। तो उस कंगन को आप रखें। जैसे वार्ताली साधना में त्रिशूल रखना होता है, त्रिशूल अच्छा लगना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि काम चलाओ ले लिया त्रिशूल और उसको कर लिया। तो घंटा यक्षिणी साधने के लिए एक बड़ा घंटा ले लीजिएगा, उसको मतलब सुंदर सा घंटा, बड़ा सा घंटा ले लीजिए, और उसके बाद उसके सामने बैठ करके अष्टमी से नौमी के बीच में 20,000 बार इस मंत्र का आप जाप करेंगे। मंत्र है ओम ऐम द्रिम पुरिम शोभया प्रजा शोभया भगवती गंभीर स्वप्ने स्वप्ने स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम ऐम द्रिम पुरिम शोभया प्रजा शोभया भगवती गंभीर स्वप्ने स्वप्ने स्वाहा। ये जो आप, जब जैसे आपकी ये साधना पूरी होगी आपसे सब लोग मोहित रहेंगे उसके बाद। हाँ, इस घंटे को किसी अच्छे स्थान पर पूजा में आप लोग इसको स्थापित करें, इसको छुए नहीं, इसको जितना कम छू सकते इसको पोछ के, जैसे मूर्ति को रखते हैं इसमें अच्छे से तेल लगाएं चमेली का, और इसको हमेशा रख करके पूजें। और ये जब एक बार 20,000 माला आप जाप कर लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद रोज़ इसका 108 माला का जाप करेंगे। कब जो आपको लगता है ना कि लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपकी इज्जत नहीं करते, या आपकी बात रखी नहीं जाती, वो सारी चीज़ें इससे सॉल्व होंगी। ये साधना करनी चाहिए, ये मैंने भी ट्रायल के लिए कर रखे, इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है तो आप मेरी किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर किसी भी ऑनलाइन बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है तो मेरे वेबसाइट पे चले जाइए www.aghortantrarahasya.xyz। अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए तो मैं आपको मिल जाऊँगा, और आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं। या फिर अगर मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो मेरे कम्युनिटी में चले जाइए, उसमें कोच इससे रिलेटेड, देखो इतना तरीका आ गया मुझसे जुड़ने का। तो आप लोगों को आज के लिए आदेश आदेश, अलग आदेश।